थोड़ा सा रखो डिस्टेंस, थोड़ा सा रखो, जरा फैल जाइए आप लोग, मैंने तो थोड़ा सा थोड़ा पीछे आ जाओ, मम्मी तैयार नहीं सब में तैयार सब में तैयार फोटोग्राफ सब में ठीक है। 4 जनवरी एक्शन कमेटी जो 40 मुख्तलिफ जमातों पर मुश्तमिल है उसने मिलियन मार्च का कॉल दिया था NRC, NPR और CAA के काले कानून के ताल्लुक से। हम शुक्रगुजार हैं सबसे पहले सिटी पुलिस के कि सिटी पुलिस ने हमें मिलियन मार्च को करने की इजाज़त दी, नंबर एक। नंबर दो, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो वॉलेंट्री तौर पर मार्केट्स को बंद किए, मुख्तलिफ मार्केट ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस, इस प्राइवेट स्कूल फेडरेशंस, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे जितने भी इस मिलियन मार्च को सपोर्ट किए हैं, उन सब का जॉइंट एक्शन कमेटी शुक्रिया अदा करती है और उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करती है, बूढ़ों का, जवानों का, औरतों का, बच्चों का और उन हैंडीकैप्स का जो समझिए कि बड़ी मुश्किलों से अपने घर से निकलकर मिलियन मार्च में शिरकत किए। बास ऐसे लोग भी मिलियन मार्च में शिरकत किए जो ऑक्सीजन मास्क पर पहने लगाए हुए थे, लेकिन मिलियन मार्च में उन लोगों ने शिरकत की, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। नंबर टू ये कि सिटी पुलिस ने, जहां हम सिटी पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने परमिशन दिया, वहीं अफसोस की बात है कि ये तारीखी मिलियन मार्च था जिसमें लोग पीसफुल पूरे तेलंगाना से मार्च करते हुए हैदराबाद पहुंचे और फिर जो स्पेसिफिक टाइम हमको दिया गया था 5 बजे का, 10 बजे नेशनल, हमने 10 मिनट पहले नेशनल एंथम पर अपने प्रोग्राम को ख़त्म किया, हमने 5 मिनट भी इजाफा नहीं लिया बल्कि वक्त से पहले हमने अपने प्रोग्राम को ख़त्म किया नेशनल एंथम पर। और ये तारीख का एक मुनफरिद समझिए के वाकया है और तमाम शुरका को मैं सलाम करता हूँ कि वो अपने घरों से निकलकर इस मिलियन मार्च में आए और उसके बाद इंतहाई पीसफुल अपने अपने डेस्टिनेशन को, अपने घरों को पहुँचे। एक छोटा इंसिडेंट भी रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद पुलिस, हैदराबाद सिटी पुलिस ने आज की तारीख तक, अब तक मुझे जो इत्तला मिली है कि 25 केसेस हैदराबाद सिटी पुलिस ने मुझ पर और जैक के जिम्मेदारों पर और मुख्तलिफ इलाकों के हमारे ऑर्गेनाइजर्स पर फाइल किए, 25 केसेस अब तक के फाइल किए गए। मैं ये समझिए कि पुलिस कमिश्नर को बता देना चाहता हूं कि हम डरने और घबराने वाले नहीं हैं, हम आपके मुकदमा से झुकने और डरने वाले नहीं हैं, हम हालात का मुकाबला करेंगे। और ये जो केसेस डाले गए हैं इससे पूरे हिंदुस्तान में शहर हैदराबाद की पुलिस की बदनामी हुई, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में ये मैसेज गया है कि मिलियन मार्च अपने आप में एक हिस्टोरिकल मार्च था और लाखों की तादाद में लोग जमा होने के बाद भी सिंगल इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ, पीसफुल लोग आए और पीसफुल चले गए। उसके बाद पुलिस अगर समझिए कि 25 केसेस फाइल करती है तो यह हैदराबाद सिटी पुलिस की बदनामी का बास, हैदराबाद सिटी पुलिस की बदनामी का बास, जबकि हम हैदराबाद सिटी पुलिस को बहुत फ्रेंडली पुलिस के तौर पर पूरे इंडिया में प्रोजेक्ट भी करते हैं। जहां हम जाते हैं वहां हम अपनी पुलिस को समझिए कि फ्रेंडली पुलिस के तौर पर पेश भी करते हैं कि हैदराबाद की पुलिस का ये रोल है, ये कॉन्टैक्ट है। लेकिन ये जो हरकत
पुलिस ने की है 25 केसेस को अभी तक जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है 25 केसेस जो समझिए फाइल किए गए हैं और हर केस में 25 के 25 केस में मुश्ताक मलिक को समझिए कि A1 बनाकर पेश किया गया। तो हम डरने और घबराने वाले नहीं है। जैक जॉइंट एक्शन कमेटी की जो जमाते हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी के जो कायदीन हैं, वो पूरी जिंदगी हालात से मुकाबला करे हैं और हक के लिए लड़ाई लड़े। इस लड़ाई में हम कोई पीछे जाने वाले नहीं है, इस लड़ाई में हम कोई कमजोर पड़ने वाले नहीं है, ये लड़ाई जारी रहेगी। दूसरी जो अहम बात है, जॉइंट एक्शन कमेटी एक समझिए कि लॉन्ग टर्म प्रोग्राम तय कर रही, वो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम NRC, NPR और CAA के खिलाफ रहेगा। इसमें 25 जनवरी का भी एक प्रोग्राम है, आंध्रा में मिलियन मार्च का प्रोग्राम है, और फिर जिस तरह इस वक्त हमने कल देखा कि एस्सार नगर में, मैं आपको मिलियन मार्च के समझिए कि एफर्ट्स बताऊं, कल एस्सार नगर में BJP के लोग डोर टू डोर कैंपेन के लिए पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद बहुत बड़ा ग्रुप पूरे घरों से निकल गया और निकलकर BJP गो बैक के नारे लगाया और उनको समझिए कि कोई कैंपेन चलाने या कन्वेंस करने नहीं दिया गया, उनको भागना पड़ा वहां से। उसमें खवातीन भी थे और समझिए कि दूसरे BJP के वॉलेंटियर्स भी थे। तो ये मिलियन मार्च का समझिए कि इफेक्ट है और हम डोर टू डोर कैंपेन चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और RSS के वर्कर्स जाकर अवाम को NRC और NPR CAA के ताल्लुक से जो मिसगाइड कर रहे हैं, हम भी डोर टू डोर कैंपेन का एक लॉन्ग समझिए के प्रोग्राम बना रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेन के जरिए इन कवानीन के समझिए के असरात डेमोक्रेटिक कैसे पड़ते हैं और इंडिया के सेकुलरिज्म को कैसे धक्का लगता है और समझिए कि किस तरह ये कम्युनल वे में ये कवानीन आए हैं, वो हम जाकर अवाम को बताएंगे। और जॉइंट एक्शन कमेटी पूरे तेलंगाना के अजला का दौरा करेगी, हर जिले में समझिए कि तेलंगाना के प्रोग्राम किया जाएगा और आज की तारीख में पूरे तेलंगाना में जॉइंट एक्शन कमेटी के ब्रांचेस बन चुके हैं। निर्मल से लेके खम्मम तक, यानी लास्ट कॉर्नर जो हमारे तेलंगाना का है खम्मम, वो खम्मम से भी लोग आए, निर्मल से भी लोग आए, अब महबूब नगर, नलगुंडा, वरंगल, समझिए करीम नगर, निजामाबाद, बोधन, ये तो समझिए के इलाके हैं, इन सब जगह से तो लोग आए, लेकिन खम्मम के आखिरी कोने कॉर्नर से भी बहुत बड़ी तादाद में इस मिलियन मार्च में लोग आए। और फिर आंध्र प्रदेश से भी कर्नूल से निकलकर इस मिलियन अदा करती है और बहुत वाजे तौर पर हम पुलिस को ये पयाम दे रहे हैं कि आपके केसेस डालने से पुलिस की बदनामी हुई है, पुलिस समझिए कि पुलिस को शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा, हम डरने वाले नहीं है। दूसरी बात, जो तेलंगाना में TRS की हुकूमत है, इस TRS की हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि एक पीसफुल मिलियन मार्च के अगेंस्ट आप 25 केसेस जो डाले हैं वो कहां तक हक बजानी है, जबकि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने NRC और NPR के ताल्लुक से बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात कही है कि हम समझिए कि यहां पर उसको लागू नहीं करेंगे या फिर हम दो दिन में जवाब देंगे। लागू नहीं करेंगे NRC को किसी मरहले पर, ऐसी सतही तौर पर ऑफिशियल नहीं था, चीफ मिनिस्टर ने कहा, होम मिनिस्टर साहब ने भी बयान दिया, होम मिनिस्टर साहब बयान देते हैं तो उसको कितना सीरियस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, मगर ये कि हम चीफ मिनिस्टर से समझिए कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस पर अपना स्टैंड क्लियर करें। सेकेंड थिंग ये कि NRC और NPR के मसले पर हम चीफ मिनिस्टर से टाइम मांग रहे हैं कि आप हमको दो दिन में समझिए कि टाइम दीजिए। जॉइंट एक्शन कमेटी की 40 जमातें NRC और NPR के ताल्लुक से बहुत क्लैरिटी के साथ आपके स्टैंड को सुनना चाहती है, यानी आपको प्रेस को ब्रीफ करना पड़ेगा, बंद कमरे में हमको बोलने से या डिनर और लंच खिलाने से कुछ नहीं होगा, हम आपके पास समझिए कि सिर्फ बात करने आ रहे हैं, कुछ खाने पीने नहीं आना चाह रहे, तो आप समझिए कि आपसे टाइम
मांगने के लिए आज ही हमारा लेटर चले जाएगा। चीफ मिनिस्टर को समझिए कि आप दो दिन के अंदर हमको टाइम दीजिए और चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का ये स्टैंड है कि बंद कमरे में बात न हो, चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए स्टेट के समझिए कि साहब स्टैंड को क्लियर करें। पान या वोट बैंक की पॉलिसी से ऊपर उठकर मुल्क को बचाने के लिए जिस तरह मुल्क के बेशतर चीफ मिनिस्टर्स ने ऐलान भी किया, प्रोटेस्ट में समझिए शिरकत भी की, मिलियन मार्च में चीफ मिनिस्टर को मिलियन मार्च को लीड करने के लिए मैंने इनविटेशन भिजाया था, लेकिन अफसोस है अब चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट कैसे काम करता वो क्या है नहीं मालूम, हमको उसका कोई जवाब ताहाल नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर इस मामले में कन्विंस हो। हम किसी से इस इशू पे कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, किसी से हम लड़ाई या झगड़ा इस इशू पे नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि उसूल की बुनियाद पर हमारी हिमायत सब लोग करें, तमाम फोर्सेस हमारी हिमायत करें, बीजेपी को मुल्क में इक्का वतना कर दिया जाए। ये हमारी कोशिश है कि आरएसएस और बीजेपी जो फैशिस्ट फोर्सेस है उनको इक्का वतना कर दिया जाए, ये हमारी कोशिश है। इस कोशिश के तौर पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट पूछ रही है। अब हम उम्मीद करते हैं कि वो समझिए कि दो दिन में हमको जवाब दे देंगे, अब नहीं देते हैं तो हमारी अपनी जो पॉलिसी होगी वो पॉलिसी पर हम अमल करेंगे। तो बहरहाल एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम